छोटे से गांव में एक बड़ा ही सुंदर और विशाल रेलवे स्टेशन था। वहां रोजाना बहुत से लोग आते जाते थे। गांव के लोगों के लिए वहां का स्टेशन केंद्रीय रोजगार का स्रोत था। लेकिन रात को वहां कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। कुछ लोग कहते थे कि रेलवे स्टेशन पर भूत रहता है। एक दिन गांव का एक युवक नाम विक्रम अपने मित्र राहुल के साथ स्टेशन के पास घूमने गया। विक्रम का बार बार स्टेशन पर भूत के बारे में सुनने का दिल था। वह चाहता था कि वह भूत को देखे। स्टेशन पर पहुंचकर वे देखते हैं कि वहां बहुत शांति और शांति है। कोई भी भूत की अद्भुत शक्ल नहीं थी। विक्रम कुछ हौसला हार गया, लेकिन उसका दिल नहीं माना। वह अपने मित्र को कहता है, हमें एक रात यहां गुजारनी चाहिए। मुझे यकीन है कि भूत नहीं होता। राहुल थोड़ी चिंतित हो गया, लेकिन फिर भी उसने स्वीकार किया। वे दोनों अपने बासे की ओर चले गए। रात को अंधेरे में उन्होंने स्टेशन के एक कोने में अपनी चादरें बिछाई और वहां बैठे रहे। विक्रम ने चाय का एक प्याला बनाया और उसे राहुल को पेश किया। कुछ समय तक सब कुछ शांत रहा। विक्रम और राहुल चाय का मजा लेते रहे, लेकिन फिर भी विक्रम को भूत देखने की उम्मीद थी। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, उधर उधर। विक्रम और राहुल दोनों हैरान हो गए। वे आवाज की ओर देखने के लिए तैयार हो गए। धीरे धीरे वे आवाज की ओर बढ़ते हैं, और फिर एक छाया सा आदमी उनके सामने आया। वहाँ पर कोई था जो कि उन्हें बिल्कुल डरा नहीं सकता था। विक्रम ने पूछा, तुम कौन हो? छाया सा आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं एक रेलवे कर्मचारी हूँ। मेरा नाम राजू है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम ने बताया, हम भूत को ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ रेलवे स्टेशन पर भूत रहता है। राजू ने हंसते हुए कहा, क्या भूत? यहाँ कोई भूत नहीं है। सिर्फ रात को यहाँ अलग अलग आवाजें होती हैं, क्योंकि स्टेशन सुबह तक बंद रहता है और यहाँ कुछ अच्छे गाड़ियाँ पार्क होती हैं। विक्रम और राहुल ने एक दूसरे पर मुस्कराए और उन्होंने राजू से माफी मांगी। राजू ने उन्हें स्टेशन के बारे में और भी कई बातें बताई। उनकी मित्रता हो गई और वे सब एक साथ हंसते हुए चाय का मजा लेने बैठे। रात के दौरान उन्होंने देखा कि रेलवे स्टेशन पर कुछ विचित्र नहीं था और यह सब बस अफवाहें थी। इस घटना ने विक्रम को एक महत्वपूर्ण सीख सिखाई, हमें हमेशा अपनी जानकारी की पुष्टि करनी चाहिए और दूसरों पर धन्यवाद करना चाहिए जो हमारी गलतफहमियों को दूर करते हैं। इसके बाद गांव वाले भी यह बातें सुनकर हैरान हो गए और रेलवे स्टेशन का सुरक्षित होने पर आत्मसमर्पण कर दिया। विक्रम और राहुल की दृष्टि ने सबको ये सिखाई कि अपनी जीवन में सच्चाई और सत्य को पहचानना महत्वपूर्ण है।